एक्सटेंशन न मिलने से कोविड-19 में नियुक्त 13 वार्ड बॉय को कमला नेहरू अस्पताल से नौकरी से निकाल दिया गया है। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि अब उनकी उम्मीद केवल प्रदेश के मुखिया से है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारा दुख और हमारी समस्याओं को समझेंगे और जल्द इस समस्या का हल निकालेंगे। मैं गीतिका केनिश में एज ए वार्ड अटेंडेंट। किस तरह के मुद्दे जो है आज वो केनिश में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें जो कोविड-19 हुआ था 2020 में, हमें तब कोविड की ड्यूटीज़ के लिए रखा गया था, बट अब जब कोविड मतलब जा चुका है तो हमें सिर्फ एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिली जा रही है। लेकिन अब जो मार्च में हमारे को 3 महीने की एक्सटेंशन दी थी तो वो जून में ख़त्म हो चुकी, तो अब इस बार तो ना एक्सटेंशन मिल रही है और ना ही हमें मतलब हमें बिल्कुल निकाल दिया गया है एक हिसाब से। हमें अटेंडेंस के लिए बिल्कुल मना किया है कि आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एक्सटेंशन ख़त्म हो चुकी है, हम आपको नहीं मतलब आपसे ड्यूटीज़ नहीं करवा सकते अब। इस बीच किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले आप? नहीं, मिले तो थे, हम हेल्थ सेक्रेटरी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे इसमें, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट अभी CM साहब के आने का वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर है नहीं चुने। तो कुल कितने जो है वो लोग हैं जो यहाँ से? 13 लोग हैं। 13 का सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर 80 पोस्टें खाली पड़ी है हमें सिर्फ उसकी उन्हीं पोस्टों में हमें मर्ज किया जाए ना, जो ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट है। हमें निकाला क्यों जा रहा है, ये मेन हमारा मुद्दा है। नाम बताएं जी सर? मेरा नाम गणेश दत्त है और मैं KNH स्टेट हॉस्पिटल में एज अ वार्ड बॉय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी कोविड के दौरान में, पर हमें इस बात का बिल्कुल नहीं बताया गया था कि जब आपका कोविड का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा तब आपको निकाला नहीं जाएगा, इस बात का हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई थी। तो आज जब कोविड ख़त्म हो गया तो हमें इन्होंने अपने यहाँ से निकाल दिया है, हॉस्पिटल से निकाल दिया है, और हमारी अटेंडेंस भी नहीं लगी सर हमारी, और क्या बोलते जो और यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर है सर उनसे हमारा काम कराया जा रहा है सर। तो जी सर, तो कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर सर भी आए थे, तो हमारे को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको निकाला नहीं जाएगा, किसी भी हालत में आपको नहीं निकाला जाएगा और आपकी अटेंशन भी आगे बढ़ाई जाएगी, और आपके बारे में सर हमारे को ये भी आशा दी गई थी कि आपके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। तो सर जब जैसे ही हमारा सर 30 जून को सर हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ तो हमें यहाँ से निकाल दिया गया सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।